हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज फेडरल बैंक पीओ के बारे में बात करेंगे। पीओ एंड क्लर्क का वैकेंसीज अभी आया है, तो थोड़ा सा आज बड़ा अजीब सा इसका वैसे नोटिफिकेशन है, बहुत अजीब सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आज उसके बारे में मैं बात करूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम है रमनदीप सिंह, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लें फिर वीडियो देखें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले एज की बात करूँ, क्लर्क के लिए 24 साल और पीओ के लिए 26 साल, और कट ऑफ डेट हमारी है 1 जून। 1 जून हमारी जो है वो कट ऑफ डेट है। अगर आप 24 साल से ज़्यादा हैं तो क्लर्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ऑफिसर के लिए 26 साल। और यहाँ पे जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, साइंस स्ट्रीम के लिए 55% मार्क्स चाहिए और बाकी स्ट्रीम्स के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और आपने रेगुलर में क्या कहते हैं किसी कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करा हो तभी आप एलिजिबल हैं। एंड आपने फर्दर जो कॉलेज है अभी रिसेंटली ख़त्म किया है, अभी अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है कि इसी साल आपने अगर पेपर क्लियर करे हैं वो भी 50% बाकी स्ट्रीम्स के लिए और 55% साइंस स्ट्रीम के लिए, तो ही आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं एलिजिबल। प्लस टू में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और आपके सारे पेपर अभी तक क्लियर हो गए हों। ऑफिसर के लिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मुझे हंसी आ रही है ये बताते हुए कि पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। वो भी 60% मार्क लेकर आइए, 60% मार्क्स के साथ पीजी चाहिए, और वो भी इसी साल में 2016-17 में, और वो भी रेगुलर मोड में। आई डोंट नो, मुझे पता है आप स्टंड हो चुके हैं, आप हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ। एंड शुड हैव 12th में फिर से 60% मार्क्स चाहिए एंड आपके सारे पेपर अभी तक क्लियर हो गए हैं। अगर आप अभी तक हैरान नहीं हुए हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन के, तो अगली स्लाइड्स में बिल्कुल हैरान होंगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, क्लर्क के लिए अगर आप गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु, आपको इन स्टेट्स का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो चाहिए। आप इन्हीं स्टेट्स में रह रहे हो पिछले काफ़ी साल से, और आप जो आपका तहसीलदार है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो कॉरपोरेशन से बनता है वो आपको चाहिए। अगर आप इन स्टेट से नहीं हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफिसर के लिए गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, क्योंकि इनकी ब्रांच इन्हीं स्टेट्स में है तो इसीलिए इनको इन्हीं स्टेट्स के लोग चाहिए। इवन अगर आप जा सकते हैं इन स्टेट्स में फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल होता है, इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत ही आसान टेस्ट होता है। इवन प्री लेवल के जो टेस्ट होते हैं क्लर्क में, IBPS क्लर्क में, उससे भी बहुत आसान होता है। अगर आप आज मैं आपको बोलूं, अगर आप पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको बोलूं कि वैसे ही पेपर देने चले जाइए तो आप पास हो जाएंगे, तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, बहुत आसान पेपर होता है। GD होता है एक इनका, बहुत अजीब सा GD होता है जो जितना ज़्यादा चिल्लाता है उनको ये अगले राउंड में भेज देते हैं, और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें बिल्कुल और बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें कुछ भी कंटेक्चुअल या बैंकिंग के रिगार्डिंग नहीं पूछा जाता। मेरे को इसके बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि मैं इसके लिए अपेयर हुआ था 2011 में, तो LPU में तब हुआ था, एक इनका प्लेसमेंट ड्राइव हुआ था, उसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ी नहीं था, हम लोग वैसे ही चले गए थे। तो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में इन्होंने पूरा अपना एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था, सिस्टम बंद हो रहे थे, सिस्टम बहुत स्लो थे, बहुत अजीब सा इनका सिस्टम था, लेकिन पेपर ऑल इन ऑल बहुत आसान था। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था दे वर हैप्पी कि भाई अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, कम से कम PO को ये अच्छी जैसी सैलरी आपको एक सरकारी बैंक में मिलेगी, सेम आपको सैलरी इसमें मिलेगी फेडरल बैंक में। इवन PO को 35-36 हज़ार रुपये इन हैंड मिलता है, क्लर्क्स को 20-21 हज़ार ये इन हैंड दे देते हैं, तो अच्छी सैलरी ये देते हैं, एट पार विद द नॉर्मल आप कह लीजिए PSU बैंक्स, और काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दूँ, 500 रुपये और 250 रुपये क्लर्क्स के लिए है, और 700 और 350 जो है ऑफिसर्स के लिए है, तो रिफंड नहीं होगी ऑब्वियसली, पैसे कभी वापस नहीं आते हैं। और पे स्केल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नियर अबाउट 35 हज़ार, लुधियाना और चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में कोचीन में मुंबई में जो पे आउट है वो तकरीबन 43 हज़ार रुपये है ऑफिसर्स के लिए,
और कोचिन के हिसाब से इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि 21,000 ये क्लर्क को देंगे, और पंजाब में लुधियाना की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 18-19,000 ये लुधियाना जैसे शहरों में ये देंगे। इनका एक प्रोबेशन पीरियड है, अगर आप इसमें चले जाते हैं आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। क्लर्क के लिए जो है बॉन्ड वो 30,000 रुपये का है, 30,000 रुपये का बॉन्ड है, 6 महीने का इसका बॉन्ड का आप कह लीजिए ड्यूरेशन है। 6 महीने से पहले छोड़ेंगे तो 30,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और ऑफिसर के लिए 2 साल का बॉन्ड है और 50,000 रुपये बॉन्ड वैल्यू है। अगर 2 साल से पहले पहले आपका कोई IBPS SBI कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको 50,000 रुपये दे के जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो वर्बल एबिलिटी, ये बहुत आसान पेपर होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इवन इनका PO लेवल का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो थोड़ा सा इनको देख ही लें। इसको क्लर्क का जो पेपर है 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, बहुत सब सारा कुछ आसान होता है। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग सब आसान है। 60 मिनट होते हैं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 90 क्या कहते हैं क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, और ये 90 में से अगर आप कह लीजिए 30-35 मार्क्स भी ले लें तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं PO लेवल की तो उसमें भी वही सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल सोशियो इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, मार्केटिंग एप्टीट्यूड, डिजिटल बैंकिंग। 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है इसमें, और 90 मिनट दिए जाते हैं। बहुत ही आसान पेपर है, 40-45-50 मार्क भी कोई ले लेता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है। फिर भी इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास जो इनके स्टेट्स जो इन्होंने लिखा है डोमेसाइल वाला, अगर आपके पास ये आप इन स्टेट से रिलेट करते हैं तो ज़रूर भरें, मैं कहूँगा ज़रूर भरें। अगर आप घर पे बैठे हैं या कुछ ऐसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था करूर वायस्या बैंक का, आज मैं इसका बता रहा हूँ, तो ज़रूर अप्लाई करें। कुछ सरकारी बैंक नहीं है, कुछ आपको NOC की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको NOC की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सरकारी बैंक छोड़ के दूसरे सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो तब वो मांग लेते हैं भाई NOC लेकर आओ, लेकिन आप ये प्राइवेट बैंक छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं तो आपको NOC की ज़रूरत नहीं है। आप खाली अपना बॉन्ड का जो वैल्यू है वो भर के अपना निकलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी बैंकों में तो कई बैंक में 2-2 लाख और इवन 2.5 लाख 3 लाख तक का भी बॉन्ड वैल्यू है, लेकिन इसमें बॉन्ड वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपका करियर देखा जाए, आपका SBI PO क्लियर हो जाता है इसमें बैठे बैठे, PO आप PO लग गए हैं और आपका SBI का क्लियर हो जाता है या इवन किसी और सरकारी बैंक का क्लियर हो जाता है, तो आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो 50,000 कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर आप कमा रहे हैं, अगर आप 35-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर आपको 50,000 में स्टेबिलिटी मिल रही है एक एग्ज़ाम क्लियर करके, तो ऑब्वियसली कोई नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ वे आउट नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल अप्लाई करें। घर पे मत बैठे रहें। एंड इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है ये, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं, क्लर्क्स के सेंटर जो हैं वो अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलगांव, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, दिल्ली में कोई सेंटर नहीं है, जबकि लुधियाना मेरे शहर में बिल्कुल एक सेंटर है, लेकिन आपके दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली से हैं तो वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। बहुत अजीब से तरीके से बनाया गया है, मुंबई में क्लर्क का सेंटर बना है लेकिन मुंबई में ऑफिसर का कोई सेंटर नहीं बना है, आई डोंट नो कैसे। तो ये इसके सेंटर्स हैं, सेंटर्स देख के भरें। अगर बहुत दूर है, आपको लगता है कि आपके घर से आपकी लोकेशन से 500-600 किलोमीटर दूर है तो ना भरें। अगर आपकी ये जो सिटीज़ हैं आपके 100-200 किलोमीटर पास हैं और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं उस स्टेट्स के, तो बिल्कुल भरें। तो जो स्टडी मटेरियल है वो स्मार्ट प्रेप किट जो है मेरी, ये मोर देन सफिशेंट है। वो भी मैं कहूंगा कि आप ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। अगर आपको 50 की ज़रूरत है तो आप 200 पढ़ रहे हैं, अगर स्मार्ट प्रेप किट आप इसके एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत आसान एग्ज़ाम है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल 100% यस इस फॉर्म को भरें, इसको ऐसे ना जाने दें। अपॉर्चुनिटी है, लास्ट डेट आई थिंक है आपकी, क्या है लास्ट डेट, आई थिंक 19 तारीख की लास्ट है इसकी, इसकी लास्ट डेट यहाँ पे लिखी थी मैंने, आई थिंक 19 तारीख इसकी लास्ट है। तो प्लीज़ 19 तारीख से पहले पहले अपना ये जो है फॉर्म ज़रूर भर लें, 19 तारीख से पहले इस फॉर्म को भरें।
जॉब की अगर ज़रूरत है किसी प्राइवेट फर्म में, नहीं बात बन रही तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। फेडरल बैंक बहुत अच्छा बैंक है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से रखते हैं, ये कुछ HDFC ICICI टाइप के बैंक नहीं है, फेडरल बैंक है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। एंड मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका गोल जो है उससे आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आपकी बात नहीं बन रही है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एक सेफ्टी हो जाती है। आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपको जॉब मिल गया, वॉट एवर, ठीक है, हो गया। एक प्रोसेस बहुत लंबा है, एक 1-1.5 साल के तो प्रोसेस है। अगर आप IBPS PO की बात करें इस साल की, तो जो उसका ज्वाइनिंग होगा वो अगले साल जुलाई अगस्त में होगा। तो अगर आप क्लर्क भी अगर बन जाते हैं फेडरल बैंक में, जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक आपका ये प्रोबेशन पीरियड निकल जाएगा फेडरल बैंक का। तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल, अगर आप आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं इस पर्टिकुलर स्टेट्स के, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ ये GK डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन है, GK डाइजेस्ट इसको ज़रूर इंस्टॉल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है इस पेपर का, इवन आप करूर वैश्य बैंक का वाले पेपर की बात करें, इस पेपर की बात करें, फेडरल बैंक, सारे का सारा जो GK है वो उसका मैं GK कैप्सूल बिल्कुल GK डाइजेस्ट में डालने वाला हूँ PDF फॉर्मेट में, और डेली हम अपडेट कर रहे हैं। GK डाइजेस्ट को कर लें इंस्टॉल, और स्मार्ट प्रेप किट जो है ये बिल्कुल डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें, ये मोर देन सफिशियंट है एग्जाम के लिए। GK क्योंकि रेगुलरली हमें अपडेट करना होता है, तो इसलिए GK बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ें, मोबाइल पे इंस्टॉल करें। एंड IBPS PO का जो मेगा प्रिपरेशन कोर्स है जो मैं आजकल यूट्यूब पे रेगुलर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करें, रोज़ाना हम वीडियोस डाल रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।